हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी भर्ती के लेके, जो जोन वाइज वैकेंसी आपको हम बताएंगे, इसमें जो ट्वेल्थ पे कितने वैकेंसी हैं और ग्रेजुएशन पे कितने वैकेंसी है। ट्वेल्थ वाले कौन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले कौन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा डिटेल्स जोन वाइज वैकेंसी बताएंगे, ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन और टोटल कितने जोन वाइज वैकेंसी है, पूरा डिटेल्स इस पर बात करेंगे। तो आप लोग भी जानते हैं कि 1 तारीख से इसका अप्लाई डेट चालू हो चुकी है, तो चलिए आप लोग अप्लाई करने से पहले इसको पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि हम इसमें पूरा डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए हम आपको एक एक करके डिटेल्स बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 1 तारीख से अप्लाई हो चुकी है और लास्ट है 31 तारीख को लास्ट डेट है। ऑनलाइन पेमेंट आप 5 तारीख तक कर सकते हैं और चालान के द्वारा भी 5 तारीख तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसका सीबीटी एग्ज़ाम का अभी टेंटेटिव डेट, मतलब शेड्यूल अभी नहीं दिया गया है, जो सितंबर में बताया जा रहा है। तो चलिए हम आपको इसके पोस्ट बता दें कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ट्वेल्थ की जब बात करें तो इसमें ट्वेल्थ वाले एक जब बात करें तो इसमें देखिए ट्वेल्थ वाले के लिए कितने पोस्ट हैं, जो कौन कौन से पोस्ट भर सकते हैं। जूनियर क्लर्क है, जो टाइपिंग वाले पोस्ट है, और जो उनका जो पे होगा 19,900 होगा। और जूनियर अकाउंटेंट है जो, और उसका जूनियर टाइम कीपर है, ट्रेन क्लर्क है, और कमर्शियल कम ट्रेन क्लर्क है। जहाँ ग्रेजुएशन की बात करें तो जो भी उसमें जूनियर वाले हैं, इसमें सब सीनियर वाले हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड्स हैं, सीनियर टिकट कलेक्टर है, उसके बाद सीनियर टाइम कीपर है, और स्टेशन मास्टर है, और कमर्शियल अप्रेंटिस है। तो इतने पोस्ट है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जोन वाइज बात करते हैं कि कितने कितने जोन में कितने वैकेंसी हैं। दोस्तों, मैंने एक टेबल तैयार किया हूँ जिसमें जोन वाइज वैकेंसी, टोटल वैकेंसी, ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन। आपको पहले ये डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, जो ट्वेल्थ किए हैं वो तो सिर्फ ट्वेल्थ पे भी भर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो ट्वेल्थ प्लस ग्रेजुएशन दोनों के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ट्वेल्थ किए हुए रहते हैं तब ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो ट्वेल्थ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन पे अपने पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्वेल्थ वाले सिर्फ ट्वेल्थ अपने पे ही कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ग्रेजुएशन नहीं किए हुए रहते हैं, तो सिर्फ ट्वेल्थ पे ही अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अलाहाबाद, जिसमें टोटल वैकेंसी है 4,099, जिसमें ट्वेल्थ की बात करें तो 952 पोस्ट है, और ग्रेजुएशन की बात करें तो 3,147 पोस्ट है। तो यहाँ अच्छी खासी वैकेंसी है इलाहाबाद में, देख सकते हैं। सिकंदराबाद की बात करें तो 3,234 वैकेंसी है, ट्वेल्थ की बात करें तो 855, और ग्रेजुएशन की बात करें तो 79। तो इतने वैकेंसी हैं, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए अब बात करते हैं मुंबई जोन की, जहां पे 3,665 पोस्ट है टोटल, और जिसमें ट्वेल्थ की पोस्ट है 1,071, और ग्रेजुएशन की बात करें तो इसको छोटा कर दूँ यहाँ जूम में, इसमें 2,594 पोस्ट है मुंबई जोन में, जो ग्रेजुएशन वाले के लिए है। कोलकाता जोन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे टोटल है 2,949 पोस्ट है, जिसमें ट्वेल्थ की पोस्ट है, मतलब तो ट्वेल्थ देख लीजिए, यहाँ ट्वेल्थ लिखा हुआ है इस कॉलम में आपका ग्रेजुएशन है। तो ट्वेल्थ की बात करें कहाँ पे, कोलकाता पे, तो 1,158 पोस्ट है, और ग्रेजुएशन की बात करें तो 1,791 पोस्ट है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी देख सकते, इधर जो है 2000 की पोस्ट पे है आपका 3 जोन, जिसमें कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ 2000 प्लस है, और सबसे ज़्यादा इलाहाबाद है और सिकंदराबाद मुंबई में 3000 प्लस दोनों पोस्ट, ग्रेजुएशन और दोनों पोस्ट मिलाकर है। तो आप लोग यहां से अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। चेन्नई की बात करें तो 2,694 वैकेंसी है, जहां पे ट्वेल्थ की बात करें तो 923 वैकेंसी है, और 1,771 ग्रेजुएशन वाली की है। चंडीगढ़ की बात करें तो इसमें 2400
83 जिसमें 12th की वैकेंसी है 862 और ग्रेजुएशन की 1621। अजमेर की बात करें तो अजमेर में भी देख सकते हैं, अजमेर में 1773 है जिसमें 12th की 410 और ग्रेजुएशन की 1363। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट और आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते रहूँगा। तो देखिए अब आगे बात करते हैं बेंगलोर की, जिसमें 2470 और जिसमें 12th की है 754 और ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पे 1761। रांची की बात करें तो 1386, 408 12th की है और 998 जिस जहाँ पे 12th की ग्रेजुएशन की है। सॉरी थोड़ी हिंदी में दिक्कत हो जाती है तो आप लोग मैं क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। पटना की बात करें तो 1039 है टोटल हिंदी में, सॉरी 12th की बात करें तो 168 वैकेंसी है और ग्रेजुएशन की बात करें तो 871। मालदा की बात करें तो 1043 और इसमें है 302 और 741 12th पे हैं। गोरखपुर की बात करें तो 1298 जिसमें देख सकते हैं 1298 और 527 12th पे हैं और ग्रेजुएशन पे 771। जम्मू एंड श्रीनगर में बात करें तो 898 टोटल वैकेंसी है जिसमें 12th में 302 और ग्रेजुएशन में 596। गुवाहाटी की बात करें तो 851 और जिसमें 12th की बात करें तो 328 और 523 ग्रेजुएशन पे हैं। भोपाल की बात करें तो 997 जिसमें 303 12th पे और 694 ग्रेजुएशन पे हैं। अहमदाबाद की बात करें तो 1024, 433 और 591 ग्रेजुएशन पे हैं। देखिए दोस्तों आप लोग पहले आप जोन वाइज वैकेंसी देख लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपके स्टेट में, आप जो भी टाउन में रहते हैं तो वहाँ से अगर अच्छे खासी है तो वहाँ से अप्लाई करें, नहीं तो आप अभी सबसे पहले जोन वाइज देख के तब अप्लाई करें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, भोपाल कर लिए, अहमदाबाद भी कर लिए, बिलासपुर के बात करें तो 1207 और 183 और 224 ग्रेजुएशन पे हैं। भुवनेश्वर की बात करें तो 498, 156 और 342 ग्रेजुएशन पे हैं। उसका त्रिभुवनंतपुरम में बात करें तो यहाँ पे 226 12th पे और 671 ग्रेजुएशन पे है। सिलीगुड़ी की बात करें तो 443 टोटल वैकेंसी है जहाँ पे 174 और 269 12th पे हैं। और मुजफ्फरपुर की बात करें लास्ट है तो यहाँ पे 339 और 134 यहाँ पे बात करें तो 12th पे और 195 ग्रेजुएशन पे है। तो दोस्तों अगर आप जोन वाइज वैकेंसी देखिए, अगर आप डिसाइड कीजिए, कोई भी डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ क्लियर कर लीजिए या ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपका पूरा टोटल वैकेंसी है वो पूरा जोन वाइज मैंने तैयार किया हूँ टेबल वाइज, तो आप लोग देख के अप्लाई कीजिए। अगर कोई भी अपडेट आते हैं तो फिर मिलते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट अपडेट आपसे फिर मिलते हैं।